नमस्कार दोस्तों, सीके पी सी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हम पार्ट 37 में, कौन से तो 37 पार्ट में बात करेंगे, कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो स्क्रू थ्रेड के टॉपिक से क्वेश्चन किया जाता है। आइए पहले नंबर के टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। तो पहला नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है, किसी स्क्रू थ्रेड के लीड की गणना के लिए सूत्र होता है। तो जो स्क्रू थ्रेड लीड की गणना करने के लिए सूत्र होता है, तो उसका जो पिच होता है और स्टार्टर की संख्या होती है उससे किया जाता है। तो पिच गुणे स्टार्टर की संख्या जो होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाहरी चूड़िए का पिच डायमीटर चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाहरी चूड़ियों के जो बाहरी चूड़ियाँ हैं उसके पिच तथा डायमीटर को चेक करने के लिए तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लीड और पिच के बराबर होते हैं। जो लीड है और पिच है बराबर होते हैं तो किसमें होते हैं, तो सिंगल स्टार्टर चूड़ियां जो होती हैं उसमें लीड तथा पिच दोनों बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी सिलेंडर का अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन को हेलिक्स एंगल में बने हुए रीज को क्या कहते हैं, तो स्क्रू जैक बोलेंगे। जो मतलब बाहरी और यूनिफॉर्म सेक्शन है तो हेलिक्स एंगल जो बन रहा है उसमें, तो स्क्रू थ्रेड है उसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण कितना होता है। तो ब्रिटिश बी है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पी मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप का मतलब एंगल कितना होता है, तो उसकी बात करेंगे तो 55 डिग्री हो जाएगा। कौन सा, तो 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चूड़ियाँ निम्न में से किस स्टार्टर पर पाई जाती है। तो जो चूड़ियाँ होती है डबल स्टार्टर में भी पाई जाती है, सिंगल में भी, और मल्टी स्टार्टर सबसे अधिक प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रू थ्रेड के दोनों साइडों के ऊपर जिस पॉइंट पर मिलती है वह क्या कहलाता है। तो जो ऐसे दोनों साइड जो ऊपर के मिलती है तो वह क्रेस्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कि स्टूल के सिरे पर हेड द्वारा दूसरे सिरे पर चूड़ियां बनी होती हैं, तो बोल्ट जो होता है मतलब इसके हेड के दूसरे सिरे पर क्या होता है, यहाँ पर चूड़ियाँ कटी होती हैं, यह बात कर रहा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यह गोलाकार का पीस कहलाता है। जो है गोलाकार का पीस कहलाता है जिनके दोनों सिरों पर चूड़ियां कटी होती हैं तथा बीच का भाग प्लेन रखा जाता है, वह क्या हमारा हो जाएगा, स्टड। जैसे बीच का भाग जो है वो प्लेन रखा जाएगा लेकिन दोनों सिरों का जो पार्ट है वह हमारा क्या है दोस्तों, वो उस पर चूड़ियाँ कटी हुई हैं। ठीक है, क्या है, चूड़ियाँ कटी होती है, बीच का भाग प्लेन है, तो ये हमारा स्टड कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किसमें हेड नहीं होता। स्टड जो होता है उसमें हेड नहीं होता है क्योंकि बीच का भाग जो होता है प्लेन होता है और बाहर बाहर के भाग में जो क्या होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, चूड़ियां कटी होती है, इसीलिए वह प्लेन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्लेन वाशर का कार्य होता है। तो प्लेन वाशर फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना, अगर प्लेन वाशर है तो क्या होता है कि फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित कर देता है जिससे कि दबाव एक जगह पे नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, लॉक वाशर निम्न कारण से प्रयोग किया जा सकता है। तो लॉक वाशर नट को लॉक करने के लिए, फाउंडेशन जब कंपन होता है किसी भी फाउंडेशन में तो नट क्या होता है धीरे धीरे उसके खुलने का चांस हो जाते हैं, इसलिए हम लॉक वाशर का प्रयोग कर सकें। लॉक वाशर दांतेदार भी होते हैं, स्लॉट भी होते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, निम्न में से किस स्थान पर प्लेन वाशर का प्रयोग किया जा सकता है। जब कंपन द्वारा नट को ढीला होने की संभावना जहाँ पे होती है, बार बार कंपन होता है और वहाँ पे नट ढीला होने की संभावना रहती है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये नट को ढीला होने की संभावना है तो वहाँ पे प्लेन वाशर का हम प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नट बोल्ट में प्रयुक्त थ्रेड्स होता है। जो नट बोल्ट होता है तो सबसे अधिक उपयोग में बात करेंगे प्रयुक्त थ्रेड तो भी थ्रेड होता है। जो नट बोल्ट होता है उसमें भी थ्रेड होता है। एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड के आज के समानांतर जितनी दूरी तय करती है वह दूरी क्या कहलाती है। एक चक्कर में ये सॉफ्ट है और एक पूर्ण चक्कर जब कर रहा है तो एक पूर्ण चक्कर थ्रेड का लीड कहलाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी बेलनाकार सॉफ्ट है, एक स्टार्टर से मतलब जहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हो और एक पूर्ण व्यास को चक्कर काट लिया तो वो हमारा लीड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तीन स्टार्टर वाली थ्रेड पिच ज्ञात करना है उसके लिए लीड को कितने भाग, मतलब तीन भाग में बांट देते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं, तो तीन भाग में। निम्न में से किस कारणवश रफ और टूटी हुई थ्रेड बनती है। तो किस कारणवश की बात कर रहा है, तो थ्रेड का कटिंग टूल ब्लंड होना, जो कटिंग टूल है हल्का सा आगे ब्लंड हो जाएगा। ठीक है,
होल के साइज, बोल्ट के ब्लैंक का व्यास सही ना होना, जो ब्लैंक है उसका व्यास जो है वह सही नहीं होना, कटिंग टूल के फ्लूट्स में चिप्स भर जाना, जो कटिंग टूल है उसके फ्लूट्स में ग्रूव में क्या है चिप्स भर जाना, तो उसके उपरोक्त तो सब सही हो जाएगा, जिसके कारण वर्ष जो चूड़ियां हम लोग काटते हैं और रफ और टूटी हुई निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्रेड स्क्रू थ्रेड एक पॉइंट और उसी के अनुरूप अगली थ्रेड का पॉइंट के बीच के अक्ष के समानांतर दूरी को क्या कहते हैं, तो उसके थ्रेड के पिच कहेंगे, मतलब ये और ये इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, दो दांतों के बीच के अंतराल को पिच कहते हैं। नेक्स्ट है सिंगल स्टार्टर थ्रेड में क्या होता है, जो सिंगल स्टार्टर थ्रेड होता है उसमें लीड और पिच क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है थ्रेडेड असेंबली में मेल और फीमेल के बीच थ्रेडों के बीच में संपर्क स्थल को कहते हैं, जो थ्रेडों के मेल और फीमेल होता है, मान लो एक यहाँ पे गियर है और एक और इसी प्रकार से एक इधर गियर है, ठीक है, तो जो इनके बीच में जो मेल फीमेल, मतलब ये गियर यहाँ पे जब मैशिंग कर रहा है तो इनके बीच के स्थल को क्या बोलेंगे, तो फ्लैंक बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो मैश कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसमें फ्लैंक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसके आधार पर नट का डायमेंशन व्यक्त किया जा सकता है, बोल्ट का नॉमिनल साइज जो होता है उसके आधार पर उसका डायमेंशन हम व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया द्वारा किस सिलेंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है, किस प्रक्रिया के द्वारा, तो हेलिकल ग्रूव काटकर हम क्या कर सकते हैं, सरफेस पर थ्रेड बना सकते हैं, ठीक है, परमानेंट फास्टनिंग द्वारा उदाहरण होता है, परमानेंट जो फास्टनिंग होता है उसका उदाहरण होता है, तो परमानेंट फास्टनिंग का उदाहरण जो होगा वह वेल्डिंग हो जाएगा, मतलब इसमें कहेंगे कि दो अस्थाई या मतलब दो पूरक धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए हम जिस उपयुक्त वेल्डिंग रॉड या फिलर धातु या फिलर मेटल का प्रयोग करते हैं वह हमारा वेल्डिंग के प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और वह अस्थाई जोड़ के अंतर्गत आता है, ठीक है, और जोड़ की बात करेंगे तो अस्थाई, अर्धास्थाई और अस्थाई, ये तीन प्रकार के होते हैं, तो जो अस्थाई होता है उसमें नट बोल्ट आ जाएंगे, ठीक है, और अर्धास्थाई की बात करेंगे तो की काटर शोल्डर ये सारा आ जाएगा, और अस्थाई की बात करेंगे तो वेल्डिंग आ जाएगा, ब्रिजिंग हो जाएगा, क्योंकि इनका टेम्परेचर जो होता है सबसे अधिक हीट होने के बाद ही ये छोड़ सकता है, छोड़ेगा अर्थात मतलब दोनों जाप को नुकसान कर देगा तभी वो छूटेगा, ठीक है, मतलब एक जाप नहीं बल्कि दोनों जापों को तोड़ के हटाना पड़ेगा तभी वो छूटेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। रिविट को निम्न में से किसके व्यास द्वारा दर्शाया जाता है, रिविट को किसके व्यास के द्वारा, तो सैंग जो होता है रिविट को उसके व्यास के द्वारा दर्शाया जाता है। रिविट मतलब क्या रहेगा, ये जो रहे ये वाला भाग, ठीक है, उसके सैंग से मतलब उसको दर्शाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से बीएसएफ स्क्रू थ्रेड का शीर्ष कोण ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन की बात कर रहा है तो 55 डिग्री हो जाएगा। बीए का स्क्रू थ्रेड की गहराई मतलब कितनी होती है, तो 0.6 पी मतलब पिच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्क्रू थ्रेड के पिच डायमीटर क्या होगा, स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर क्या होगा, थ्रेड निम्न में से स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर क्या होगा, यह ऑप्शन दिया हुआ है। थ्रेड के मेजर और माइनर डायमीटर के बीच का काल्पनिक डायमीटर जो होगा स्क्रू थ्रेड पिच डायमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से निम्न प्रक्रिया द्वारा सेमी परमानेंट फास्टनर्स को अलग किया जा सकता है, तो हल्का गर्म करने के बाद उसको अलग कर सकते हैं, अगर एसियर है प्लस पीबी है तो मतलब ले यहाँ पे शोल्डर का काम हो गया और सेमी परमानेंट का काम हो गया, तो इसको आसानी से हम गर्म जब करेंगे तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, उससे जुड़े हुए पार्ट से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, या तो जॉब हमारा नुकसान होता है या तो फास्टनर दो में से एक नुकसान होता है, तो इसमें क्या होता है हमारा जॉब सेफ रह जाता है और फास्टनर नुकसान हो जाती है। निम्न कार्य के लिए बीएसएफ ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन द्वारा थ्रेड्स का प्रयोग कर सकते हैं, तो बिजली के सामान के लिए सबसे अधिक इसका प्रयोग हम करते हैं। निम्नलिखित, नेक्स्ट है मैकेनिकल जैक पर थ्रेड का प्रयोग किया जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग कर सकते हैं, और स्क्वायर थ्रेड देखा जाए तो हमारा इस प्रकार का रहेगा और इसके बीच के एंगल जो रहेगा वह कितना रहेगा, तो 90 डिग्री का होता है, ये स्क्वायर थ्रेड का सिंबल होता है, और इसका पिच की बात करेंगे तो वह 0.5 होती है, इसकी पिच होती है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड को प्रत्यक्षतः क्या नहीं मापा जा सकता है, तो पिच डायमीटर क्या है, मतलब प्रिसीजन के द्वारा हम पिच डायमीटर नहीं माप सकते, ठीक है, प्रिसीजन के द्वारा नहीं माप सकते। निम्न में से किस फास्टनिंग विधि में
धातु पिघलती है, किस फास्टनिंग विधि में धातु पिघलती है भैया? तो वेल्डिंग में क्या होता है, दो पूरक धातुओं के बीच में एक फेट फिलर मेटल गलाया जाता है, वह धातु दोनों पिघल के आसानी से दोनों अस्थायी जोड़ बनाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, निम्न में से किस कारण से नटों के नीचे स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जा सकता है? नटों के नीचे से स्प्रिंग वाशर की बात कर रहे हैं, तो कंपन के कारण नटों को ढीला होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो स्प्रिंग वाशर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब वाइब्रेशन होता है तो स्प्रिंग वाशर क्या करता है, नट और जॉब को दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न करता है, जिससे कि खुलने का चांस नहीं रह जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कार्य से टैब वाशर का प्रयोग किया जा सकता है? तो नटों को लॉकिंग करने के लिए हम टैब वाशर का सबसे अधिक प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस नट का प्रयोग मापी यंत्रों में किया जा सकता है? तो किस नट का प्रयोग करेंगे, तो नल्ड नट, मतलब नल्ड रैचेट, जैसे माइक्रोमीटर के थिम्बल के पीछे जो भाग होता है वह नर्लिंग किया रहता है, ठीक है। तो ये काम इसका ये होता है कि हम क्या है कि अपने हाथ से इसको पकड़ के आसानी से खोल या बंद कर सकते हैं, तो इसका फायदा होता है। तो वह कह रहा है कि किस नट का प्रयोग मापी यंत्रों के, मतलब नल्ड नट का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। रिवेटिंग के बाद दो सीटों के बीच के गैप को किस दोष के द्वारा दिखाई देता है? किस दोष के द्वारा यहाँ पे कह रहा है कि दिखाई देता है, तो जो रिवेटिंग करते हैं उसमें हमारा डील किया हुआ सुराख ओवरसाइज, मतलब जो डील किए हुए ये होल है पहले से डील के द्वारा, लेकिन दो डील हमारा इतने का होल चाहिए लेकिन हमारा इतना बड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा, जॉब में ओवरसाइज हो गया, ठीक है। रिवेट सेट का सही प्रयोग, मतलब दो होल हैं और वो क्या है कि दो प्लेटों में दो होल हैं, तो क्या है वो एक सीध में ना करके एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो दोनों सीध में अगर नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा गैप बीच में क्या होगा, सबसे अधिक गैप दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें बी एंड सी ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, देखेंगे क्वेश्चन, रिवेट के ज्वाइंट में धातु की क्रशिंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो मान लीजिए कोई दो प्लेट है, ठीक है, रिवेट के धातु यहाँ रिवेटिंग कर दिए, क्रशिंग की बात कर रहा है, रिवेट का व्यास बहुत अधिक होना, तो जब व्यास रिवेट का व्यास जब बहुत अधिक हो जाएगा तो क्रशिंग मतलब तनाव उत्पन्न करेगा वहाँ पे, तो वहाँ टूटने का चांस सबसे अधिक हो जाती है, ठीक है। ने रिवेट ज्वाइंट में धातु की स्पल्टिंग की लिए जिम्मेदार होता है, तो रिवेटों के सुराखों को प्लेट में एज बहुत नज़दीक डील कर देना, जब क्या करते हैं हम इसमें कि जब रिवेटिंग करना रहता है तो उसमें करते क्या है हम, सबसे पहले कि जब दो प्लेटें हैं और उसके बीच के प्लेट जो है ये वाला, तो उसके बीच के बगल में सबसे ज़्यादा नज़दीकी पे हम होल कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि रिवेट के सुराखों में प्लेट एज बहुत दूर डील कर लेना, वह हमारा स्पल्टिंग के जिम्मेदार के कारण बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से किस कार्य के लिए बट्रेस थ्रेड का प्रयोग किया जा सकता है? तो बट्रेस थ्रेड के यहाँ पे प्रयोग करना है तो केवल एक ही दिशा में लगाए जाने वाले रेजिस्टिंग फोर्स के लिए हम बट्रेस थ्रेड्स का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्ट शोल्डरिंग के लिए उचित तापक्रम कितना होना चाहिए? तो जो सॉफ्ट शोल्डर है वो 450 से कम होना चाहिए, सॉफ्ट शोल्डर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो 450 से क्या करते हैं, सॉफ्ट मतलब नर की बात करेंगे, हार्ड शोल्डर की बात करेगा तो 450 से अधिक हो जाएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके पहले का जो क्वेश्चन है यहाँ पे रिवेटिंग का, तो रिवेट धातु के क्रशिंग की बात किया है और एक स्पेल्डिंग की बात किया, रिवेट में गैप की भी बात किया है, तो बाद दो सीटों को गैप, यहाँ पे दो सीटों के बीच गैप का दोष का कारण बता रहा है, तो डील किया हुआ सुरा का ओवरसाइज और रिवेट सेट का सही प्रयोग न करना, जो रिवेट सेट होता है अगर वह हम सीधे सही में प्रयोग नहीं करेंगे तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, होल साइज अंडर साइज हो जाएगा, दूसरे जगह पे चला जाएगा, तो इसमें बी एंड सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो रिवेट ज्वाइंट में धातु की क्रशिंग के लिए जिम्मेदार, क्रशिंग की बात कर रहा है, तो रिवेट का व्यास बहुत अधिक जब हो जाएगा यहाँ पे, क्रशिंग क्रशिंग का मतलब यहाँ पे वही दर्शा रहा है, तो रिवेट का व्यास जब बहुत अधिक हो जाएगा तो रिवेट ज्वाइंट में धातु की क्रशिंग के लिए जिम्मेदार, मतलब रिवेट का व्यास बहुत अधिक हो जाएगा वह हमारा क्रशिंग का जिम्मेदार हो जाएगा, ठीक है। रिवेट में धातु की स्पल्टिंग के लिए जिम्मेदार की बात कर रहा है, तो रिवेट के लिए सुराखों को प्लेट एज से बहुत दूर डील कर देना, रिवेट के लिए सुराखों को प्लेट के एज से बहुत दूर, मतलब जो प्लेट है उससे क्या है बहुत दूर डील किया हुआ है, ठीक है, जो प्लेट है उससे बहुत दूर डील करेंगे वह हमारा स्पल्टिंग के जिम्मेदार हो जाएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन क्लियर करवाना था तो मैं क्लियर करवा दिया इसको। अब नेक्स्ट है बट्टेस के थ्रेड का सबसे अधिक प्रयोग तो केवल एक ही दिशा में लगाए जाने वाले रेजिस्टिंग फोर्स के लिए हो जाएगा। सॉफ्ट सोल्डरिंग का उचित तापक्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो 450 से कम हो जाएगा। निम्न में से किस तापमान पर ब्रेजिंग की जाती है तो ब्रेजिंग करने की बात कर रहा है तो 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर की जाती है। बल्कि ये अधिक की बात कर रहा है ये नहीं होगा, 400 से कम की बात कर रहा है नहीं हो जाएगा, 900 डिग्री सेल्सियस ये हो सकता है लेकिन 950 होता है। तो यहाँ पे हम सीधे बेसिक ले लेंगे 450 से अधिक, मतलब 650 किसी में है तो किसी में 950 है। तो स्प्लेंडर इसमें लेने के बाद से इसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बढ़ता जाता है, इसीलिए हम इसको 450 से एक्यूरेट मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से सोल्डरिंग पॉइंट की विशेषता बात कर रहा है तो ब्रेजिंग की अपेक्षा कमजोर होता है। जो ब्रेजिंग होता है वह अस्थायी ना करके अस्थायी जोड़ के काम आता है, वहीं हमारा सोल्डरिंग जो होता है मतलब जल्दी धातु गर्म होने पर वह किसी भी जाप को छोड़ सकता है, इसीलिए सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग में डिफरेंट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हैंड वाइस में प्रयोग होने वाला नट की बात कर रहा है। हैंड वाइस बिंग नट, बिंग नट कैसा होता है, कुछ इस प्रकार के होते हैं और इसमें थ्रेड कटे होते हैं और आसानी से इसको खोला या कसा हाथ से जाता है। निम्न में से बी आई एस थ्रेड की गहराई की बात कर रहा है तो बी आई एस थ्रेड की गहराई 0.6134 पी, मतलब पी मतलब पीच हो जाएगा, 6134 पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, लेफ्टिंग तथा साज समाज सामान की थ्रेडिंग थ्रेडेड सॉफ्ट पर किस थ्रेड का प्रयोग सबसे अधिक किया जा सकता है तो स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग, क्योंकि वह खोलने और बांधने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग, इसीलिए सबसे ज़्यादा हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली अस्थायी बंधक निम्न में से कौन सा हो जाएगा तो बोल्ट जो होता है जिसे हम आसानी से फट से जोड़ लेते हैं और खोल लेते हैं, इसीलिए बोल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा नट है, हेक्सागोनल नट नहीं है, कौन सा तो कैप्सुल नट जो होता है हेक्सागोनल नट के आधार पर नहीं होता है। निम्न में से ने, 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 किस नट के प्रयोग में वाशर की आवश्यकता नहीं होती तो किस नट के प्रयोग में, तो फ्लैंज नट में, किस प्रकार का होता है तो जो फ्लैंज नट होता है कुछ इस प्रकार का होता है, मतलब ये अगर हमारा ये जो पार्ट है इसमें होल किया गया और थ्रेडिंग कटी गई है अंदर से, ठीक है, तो जो थ्रेडिंग कटी गई है अंदर से यहाँ भी आसानी से बोल्ट इसमें जा सकता है और इसको टाइट कर सकता है, लेकिन ये जो दोनों तरफ दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वाशर का काम करेगा। तो इसमें क्या करेगा हमारा, तो वाशर का मतलब क्या काम कर सकता है, फ्लैंज नट जो होता है वो वाशर का काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस नट के द्वारा हेक्सा फ्रेम ब्लेड को कसा जाता है तो विंग नट मैंने अभी बताया कि कुछ इस प्रकार के होते हैं वह विंग नट हो जाता है। ठीक है, निम्न में से साधारणतः प्रयोग में लाए जाने वाला नट कौन सा होता है तो साधारण प्रयोग में होने वाला तो हेक्सागोनल नट सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जा सकता है। अस्थायी जोड़ बनाने हेतु तो बोल्ट के स्थान पर डाडाट का प्रयोग किया जा सकता है, तो बोल्ट के स्थान पर वो अस्थायी जोड़ अगर बनाना है तो स्क्रू का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ट के स्थान पर अगर नट बोल्ट की बात करेंगे तो नट तो ऑप्शन में है ही है, वाशर है ही है, बोल्ट है ही है, तो बोल्ट के स्थान पर तो स्क्रू इसमें हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन सबसे भिन्न दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस स्क्रू का हेड बोल्ट का समान होता है तो वो कैप स्क्रू जो होता है, कैप तो रहेगा रहेगा लेकिन नीचे क्या होता है वो 6 फलक का रहता है, इसीलिए इसको कैप स्क्रू को हम हेड बोल्ट के समान हम रखते हैं। ठीक है, स्क्रू हेड के बोल्ट के समान रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्क्रू में हेड नहीं होता, हेड ही नहीं होता तो सेट स्क्रू जो होता है उसमें क्या होता है, हेड ही नहीं होता, शोल्डर स्क्रू का प्रयोग किया जा सकता है तो अस्थायी रूप से शोल्डर स्क्रू जो होता है वो अस्थायी रूप से हम बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से किस नट के लिए सबसे कम क्लियरेंस की आवश्यकता रहती है, सबसे कम तो हेक्सागोनल नट के लिए सबसे कम क्लियरेंस की आवश्यकता रहती है, पिच डायमीटर होता है, जो पिच डायमीटर चूड़ी के पिच का आधा जो भाग होता है उसे पिच डायमीटर के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एकीकृत चूड़ी, मतलब यूनिफाइड थ्रेड दर्शाया जाता है तो चूड़ी बटे इंच दर्शाया जाएगा, चूड़ी बटे इंच दर्शाया जाएगा। बट्टेस थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, 3 प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट है बट्टे थ्रेड को किस नाम से जाना जाता है तो बट्टे थ्रेड जो होता है ब्रीच लॉक थ्रेड के नाम से भी जाना जाता है। बीएसडब्ल्यू थ्रेड का एच का मान कितना होता है तो 0.96049106 पी होता है, पी मतलब पिच होता है। ठीक है, मतलब 96 0 49 10 से 6 पी
पी हो जाएगा। एकमी थ्रेड किस आकार का होता है? तो एकमी थ्रेड जो होता है वह समलंब आकार का होता है। एकमी थ्रेड का आकार पूछ रहा है तो समलंब आकार का होता है। कौन से आकार का? तो समलंब आकार इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एकमी थ्रेड का प्रयोग है, एकमी थ्रेड का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ पे करते हैं? तो खराद में करते हैं, लीड स्क्रू के द्वारा करते हैं, थ्रेडिंग काटते समय, या मतलब लेथ को फॉरवर्ड या रिवर्स दिशा में चलाने के लिए। ठीक है, हेक्सागोनल नट कितने कोण पर चैंपिंग करते हैं? 30 डिग्री के चोट पर चैंपिंग करते हैं। कहीं कहीं किसी की कापी में 45 लिखा, बट इसको नहीं, हम पहले मारते हैं। ठीक, पहले मतलब आयोग बोर्ड ने इसको 30 डिग्री सबसे अधिक सही मारा है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। मेट्रिक थ्रेड के पिच को दर्शाया जाता है, मेट्रिक थ्रेड में पिच को दर्शाया जाता है। तो पिच जो होता है, मतलब थ्रेड की बात कर रहा है तो मिलीमीटर में दर्शा देंगे। किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल के सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो नकल थ्रेड सबसे अधिक इंडस्ट्रियल में क्या होता है? सबसे अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे थ्रेडेड असेंबली में मेल तथा फीमेल थ्रेडों के बीच के संपर्क को क्या कहा जा सकता है? तो थ्रेडर में मेल तथा फीमेल की बात कर रहा है। तो मान लीजिए कोई थ्रेड कटा हुआ है, ठीक है, कोई थ्रेड कटा हुआ है और कुछ इस प्रकार के थ्रेड हैं, और तो दोनों थ्रेड के मेल तथा फीमेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो मैशिंग हो रहा है, जो यहाँ पे अगर ये आएगा और मैश करेगा, मेल और फीमेल दोनों पार्ट की बात कर रहा है, तो उसके बी जो मैश वाली जगह हो रही है यहाँ पे मैश वाली, तो उसको फ्लैंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लैंक बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों।